Welcome children. Children, till now the questions that we have practiced, we knew that a balance sheet was always given to us. But children, now a question will be tested where balance sheet is not given to us. So children, question will represent the information in the form of a paragraph like this X, Y, and Z are equal partners with capitals of rupees 1 lakh fifty thousand. टी फाइव थाउजेंड एंड रुपीज टू लैख रिस्पेक्टिवली अग्री टू एडमिट डब्ल्यू इन टू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फॉर वन फोर्थ शेयर ऑफ गुडविल एंड वन लैख एटी थाउजेंड एज एज कैपिटल बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंट टू रूपीज थ्री लैख एंड बच्चों ध्यान दीजिएगा अट्स अपार्ट फ्रॉम कैश मतलब कैश को छोड़ के बच्चों फॉर्म में मोटर व्हीकल्स थी फर्नीचर वॉज देयर स्टॉक वॉज देयर एंड डेटर्स व देयर अब बच्चों आपको ये नहीं बताया गया कि कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे आप फर्दर रीडिंग चिल्ड्रेन मोटर एंड फर्नीचर वॉज रीवैल्यूड एट नाइन्टी फाइव एंड थर्टी एट जर्नल एंट्रीज आर टू बी डन चिल्ड्रेन यहाँ पे तो क्वेश्चन ने आपको हिंट दे दिया कि कुछ ना कुछ कैश बैलेंस था इन मेजॉरिटी क्वेश्चन बच्चों आपको ये हिंट मिलेगी बट माइट बी पॉसिबल कि आपको ऐसी हिंट ना मिले ऐसा भी हो सकता है बच्चों तो आप क्या सिस्टम फॉलो करेंगे सो चिल्ड्रेन द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन आर हेयर द फर्स्ट स्टेप इज चिल्ड्रेन आप एक रफ नोट वर्किंग नोट दैट इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे वेयर यू विल पुट आइटम्स ऑफ असिट्स ऑन द दसेट साइड दैट इज राइट साइड एंड लाइबिलिटीज ऑन द लाइबिलिटी दैट इज लेफ्ट हैंड साइड देन चिल्ड्रेन यू विल कैलक्युलेट द डिफरेंस

कैश बैंक बैलेंस ही अज्यूम करेंगे आई रिपीट चिल्ड्रेन इफ असट साइड फॉल्स शॉर्ट आप इस डिफरेंस को कैश या बैंक बैलेंस ही अज्यूम करेंगे इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट बच्चों अगर आपको कैश और बैंक बैलेंस दिया है ऑलरेडी असेट साइड पे असेट्स की कैटेगरी में तो बच्चों आप इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अक्यूमुलेटेड लॉस मान लेंगे बट चिल्ड्रन इन द मेजोरिटी क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिख के आएगा असिट्स अपार्ट फ्रॉम कैश टू इंडिकेशन विल ऑलवेज बी देर बट बाई चांस इफ देर इज नो इंडिकेशन एंड असिट साइड पे शॉर्टेज आ रही है बच्चों तो आप इसको कैश या बैंक बैलेंस मानेंगे एंड इफ इट इज ऑलरेडी गिवन चिल्ड्रेन तो आप इसको एक्यूमुलेटेड लॉस मान लेंगे माइट बी पॉसिबल चिल्ड्रेन आपकी शॉर्टेज लाइबिलिटी साइड में आ जाए तब बच्चों आप इसको एक्ूमुलेटेड गेन मान लेंगे जनरल रिजर्व मान लेंगे बच्चों बट क्वेश्चन में भी देर कि सर मान लीजिए जनरल रिजर्व ऑलरेडी दिया है देन चिल्ड्रेन क्वेश्चन इज अज्यूम टू बी टोटली रॉन्ग तो बच्चों नाइन्टी परसेंट ऑफ द केसेज में तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा वेयर इट ऑलरेडी गिव्स यू द इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज सम कैश बैलेंस बट देन टू चिल्ड्रेन इफ इट इज नॉट गिवन असिट साइड बच्चों अगर शॉर्ट है तो आप कैश बैलेंस अज्यूम करेंगे इफ इट इज गिवन आप एक्यूमुलेटेड लॉस मान लेंगे सो चिल्ड्रेन फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ड्रॉन द बैलेंस शीट शोइंग ऑन द लाइबिलिटी साइड द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स दैट इज लाइबिलिटी इज गिवेन थ्री लैख एक्स वाई एंड जेड्स कैपिटल वॉज गिवेन चिल्ड्रेन डेटर्स मोटर व्हीकल्स स्टॉक एंड फर्नीचर वॉज गिवेन बच्चों जब हमने कैलकुलेशन किया तो वी फाउंड कि असिट साइड इज शॉर्ट सो चिल्ड्रेन दिस कैश बैलेंस ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपी रिप्रेजेंट योर शॉर्टेज ऑन द अट साइड दैट इज कैश बैलेंस देअ आफ्टर चिल्ड्रेन आप रिवैल्युएशन जर्नल इंट्रीज करेंगे एक्यूमुलेटेड गेंस एंड लॉसेज इफ गि आप उनको डिवाइड करेंगे इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल यू विल अकाउंट फॉर दैट इफ यू ब्रिंग्स प्रीमियम ऑफ गुडविल आप प्रीमियम फॉर गुड विल की अकाउंटिंग करेंगे बच्चों अकॉर्डिंगली लेजर अकाउंट विल बी प्रिपेयर इन द यूजल मैनर तो बच्चों यहाँ पे आपको सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने पैराग्राफिक इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया बैलेंस शीट के फॉर्म में अब बच्चों आपका क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन द एग्जैक्टली सेम मैनर जैसे हम पहले किया करते थे तो बच्चों यहाँ पर कोई भी खास डिफरेंस नहीं होगा

Cash or bank account balance sheet to be drawn in the usual manner. Thank you, children.